अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। वेलकम टू माय चैनल शाह हुसैन मैथमेटिक्स ऑनलाइन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज का। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स। हमारे पास ये जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, 2x-5। हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है, हमें इसे इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, डोमेन की डेफिनेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। डोमेन क्या है, इनपुट वैल्यू का सेट जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब आपके माइंड में फौरन आएगा कि फंक्शन हमारा कब अनडिफाइन होगा। डियर स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब फ्रैक्शनल फॉर्म होगी हमारे पास इस तरह पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है, क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा तो डेफिनेटली सम वैल्यू ओवर ज़ीरो वो क्या बन जाता है, अनडिफाइन बन जाता है। इट मीन जब फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो देता है उस वैल्यू को हमने डोमेन में इंक्लूड नहीं करना। क्यों इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि फंक्शन हमारा उस पर डिफाइन नहीं है। सेकेंडली, रेंज क्या है, रेंज बेसिकली आउटपुट है इनपुट वैल्यू का। इनपुट वैल्यू देने से जो हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट वैल्यू का जो सेट है उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अब आप यहाँ पे नोटिस करें, हमारा जो फंक्शन है लीनियर फंक्शन है और एक्स की यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ सेट ऑफ रियल लाइन से, सेट ऑफ रियल नंबर से, तो हमारा फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन हमारा डिफाइन ही रहता है। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर वैल्यू -1 है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रियल लाइन है, रियल लाइन से एक्स की कोई भी वैल्यू लूँगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन ही रहेगा। आपके माइंड में आ रहा होगा इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर से नहीं है, ये जस्ट बाउंड्री है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्स की हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइन रहेगा। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये है डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब रेंज, इनपुट वैल्यू का सेट। आप नोटिस करें, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, -5। मैं 5 पुट करूँगा तो आंसर आ रहा है 5। इट मीन्स जैसे जैसे मैं ग्रेटर वैल्यू पुट करूँगा आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, जैसे जैसे मैं स्मॉलर वैल्यू पुट करूँगा आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या होगी, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी, क्योंकि जब हम स्मॉलर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू स्मॉलर मिल रही है, जब हम ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू जो है पॉजिटिव मिल रही है। अब यहाँ पर ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, आपको जस्ट इतना आइडिया होना चाहिए लीनियर फंक्शन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, रेंज भी क्या होगी, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी। अब यहाँ पर सम टाइम वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। माय डियर स्टूडेंट, सम टाइम फर्ज करें इसी क्वेश्चन को, उसमें कंडीशन उसने मेंशन कर दी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x-5, और मेंशन कर दिया है एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये जो उसने कंडीशन लगाई है, इसकी वजह से डोमेन चेंज हो जाएगी, और डेफिनेटली रेंज तो डिपेंड ही डोमेन पे करती है। तो इसका मतलब अब डोमेन क्या होगी, अब इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी हमारे पास 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब आपके माइंड में आएगा 0 क्यों, क्योंकि उसने हमें खुद बताया कि आपने इनपुट वैल्यू जो देनी है, जो एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वो या तो 0 होनी चाहिए या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हमारे पास डोमेन क्या होगी, चेंज होगी। आप नोटिस करें डोमेन 0 से इन्फिनिटी बनी, और रेंज डेफिनेटली इस वक्त रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, रेंज जब 0 पुट करूंगा तो क्या आता है, 0 पुट करने पे -5, 0 से ग्रेटर पुट करता जाऊंगा तो आंसर भी हमारा ग्रेटर ही आएगा। तो ये हमारे पास डोमेन होगी, रेंज होगी, अगर कंडीशन लगाता है तो। अब यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर वो जस्ट इसमें इतनी चेंज कर देता है कि यहाँ पर
ये इनइक्वालिटी चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है जी, जस्ट ये मेंशन कर देता है एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसकी वजह से अब डोमेन क्या बनेगी, डोमेन बनेगी जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन जीरो को ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल क्यों लगा रहे हैं, उसने कहा है कि आपने जीरो से ग्रेटर नंबर पुट करना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि जीरो से ग्रेटर नंबर जो है वो हमारे पास वन है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जीरो से ग्रेटर एग्जैक्ट जो है नेक्स्ट वो इंटीजर का तो हमें पता है वन होगा, लेकिन जीरो से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि जीरो और वन के दरमियान कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो अब अगर यहाँ पर उसने इक्वल लगाया हुआ है तो क्लोज इंटरवल स्टार्ट में लग रहा है, अगर इक्वल नहीं लगाया हुआ तो ओपन इंटरवल लग रहा है। अब डेफिनेटली रेंज भी चेंज हो जाएगी। रेंज क्या होगी, क्योंकि रेंज तो सारी डिपेंड ही डोमेन पे कर रही है। जीरो पुट करने पे क्या आ रहा है, जीरो पुट करने पे माइनस फाइव आ रहा है, तो यहाँ पर अब ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि ना जीरो पुट करना है ना फाइव माइनस फाइव ने आंसर में आना है। तो खैर ये जस्ट एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन। अब ख्याल रखिएगा स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो फंक्शन हमारा रियल वैल्यू नहीं देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा, इमेजिनरी रूट देगा। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें रियल वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे x प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले तो x की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू क्या है। ये बेसिकली कंडीशन ही है कि आपने x की वैल्यू पुट करनी है माइनस वन से ग्रेटर। तो माइनस वन से ग्रेटर बेसिकली कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ से माइनस वन से ग्रेटर ये सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस वन से स्मॉलर कोई भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन जी क्या होगी, डोमेन हमारे पास होगी माइनस वन से लेके प्लस इन्फिनिटी। माइनस वन पुट कर सकते हैं इसलिए इस पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे। आप पुट करके देख लें, माइनस वन पुट किया प्लस वन जीरो, जीरो का रूट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी, अभी हमने माइनस वन पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो रेंज बनेगी जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था, शॉर्ट में आ सकता है, डोमेन या रेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो सेम इस पे प्रोसीजर है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अगेन इसे सॉल्व करता हूँ तो एक्स मॉड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू टू होनी चाहिए। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें कौन सा इंटरवल इंक्लूड होगा। मैंने रियल लाइन ड्रा की, यहाँ पे जीरो, इस साइड पे हमारे पास है प्लस इन्फिनिटी माइनस टू, और लेफ्ट साइड पे है माइनस इन्फिनिटी। आप नोटिस करें कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस टू से स्मॉलर, माइनस टू से स्मॉलर ये वाले सारे नंबर पुट कर सकते हैं, टू से ग्रेटर ये वाले सारे नंबर पुट कर सकते हैं। क्या हम ये नंबर पुट कर सकते हैं, नहीं, ये नंबर इस इंटरवल से कोई भी नंबर हम पुट नहीं कर सकते। आप पुट करके देख लें, जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस फोर, रूट में माइनस फोर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस टू आयोटा आता है, वो तो रियल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू हमें मिल रही है। तो हमें डोमेन में कौन सी वैल्यू का सेट लेना होता है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, उन वैल्यू का सेट जिस पे फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या बनेगी, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और इन्फिनिटी को तो हमेशा हमने ओपन इंटरवल में राइट करना है। माइनस टू पुट कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल यूनियन ले लिया, देन क्या करेंगे, टू से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ओपन इंटरवल में टू पुट कर सकते हैं, इसको क्लोज इंटरवल लगा दिया। या फिर हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से लेस कर देंगे, क्या भला, माइनस टू से लेके टू। क्या माइनस टू को लेस करना है, नहीं,
और टू को भी लेस नहीं करना है, इसे ओपन इंटरवल लगा देंगे। इसका मतलब है तमाम रियल नंबर से हमने ये वाले नंबर लेस कर दिए, क्योंकि इन नंबर पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। अब हम आते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन पर हमारे पास, और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट बिटवीन माइनस टू एंड टू, यहाँ पे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन, डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, जब मैं यहाँ पर माइनस टू पुट कर रहा हूँ तो माइनस टू पे क्या दे रहा है? माइनस टू पे जीरो दे रहा है। माइनस टू पे फोर माइनस फोर रेंज में जीरो दे रहा है, और अगर टू पुट करता हूँ टू पे भी जीरो दे रहा है। अब जब मैं टू से ग्रेटर वैल्यू पुट करूँगा तब भी आंसर ग्रेटर आएगा, और माइनस टू से जब मैं स्मॉलर वैल्यू पुट करूंगा तब भी आंसर ग्रेटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्केयर है। तो यहाँ पर रेंज बनेंगी जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडेड है। तो ये हमारा एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू का डोमेन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्यों बोला? क्योंकि आप नोटिस करें, सेट ऑफ रियल लाइन, सेट ऑफ रियल नंबर से या रियल लाइन से कोई भी नंबर हम उठा के पुट करते हैं, फंक्शन हमारा डिफाइन ही रहेगा। और डोमेन की डेफिनेशन भी यही है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन तो होगी दिस। अब रेंज पे एब्सोल्यूट वैल्यू का इम्पैक्ट होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पर आपको पता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव नंबर का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलता है। इसका मतलब थ्री पे क्या आएगा? थ्री पे आएगा जीरो, और थ्री से ग्रेटर वैल्यू पुट करूँगा तब भी ग्रेटर, और थ्री से स्मॉलर वैल्यू पुट करूँगा हमारे पास तो खैर तब भी हमारे पास फाइनल आंसर जो है पॉजिटिव ही आएगा। तो डोमेन बनी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज बनी हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी। और डियर स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता हमारे पास एक्स माइनस थ्री, देन इसकी डोमेन क्या होगी, देन इसकी रेंज क्या होगी, ये आप सोचिएगा। अगर आपको आंसर मिल जाए तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा।